Hello students, welcome to MKH. So students, in this video we are going to read chapter number 5 of your EVS book. So students, the name of your chapter is Important Places Around Us, यानी हमारे आसपास के जो important places हैं, यानी महत्वपूर्ण स्थान हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, उन सभी के बारे में हम इस chapter में सीखेंगे. So students, let's get started. You have studied about various community helpers. हमने बहुत सारे community helpers के बारे में देखा जो हमारे जीवन को बहुत ही easy बना देते हैं. They provide us important services. वो हमें बहुत ही important, बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं. There are many important places in our neighborhood. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे important places हैं. We visit these places to get some article or services. जहाँ पर हम जाते हैं या तो कोई सेवा लेने के लिए या तो कोई सामान लेने के लिए, ठीक है, कुछ वस्तुएं लेने के लिए या कोई सेवा लेने के लिए हम वहाँ पर जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हॉस्पिटल जाते हैं किसके लिए? हम हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर से सर्विस लेने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सर्विस करता है ना, वो एक सर्विस करता है, वो एक सेवा करता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, वो हमें कुछ भी देता नहीं है डॉक्टर, वो हमारी सेवा करता है, मतलब वो जो है हमें सेवा प्रदान करता है अपनी, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक्स एट्सेट्रा. आप अपनी पेंसिल, पेन, इरेजर कहाँ से लेते हो? आप अपनी पेंसिल, पेन, इरेजर कहाँ से लेते हो? वी गेट ऑल दीज आइटम्स फ्रॉम ए स्टेशनरी शॉप. हम स्टेशनरी शॉप से जो है सारे सामान खरीदते हैं. कैन यू रिकॉल व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ए ग्रोसरी. क्या आप जानते हो कि आप ग्रोसरी से क्या क्या खरीदते हो? अब सिंपल सी बात है, पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक एट्सेट्रा आप कहाँ से खरीदते हो? आप इसे स्टेशनरी शॉप से खरीदते हो. और ग्रोसरी से आप क्या खरीदते हो? तो सिंपल है स्टूडेंट्स, ग्रोसरी का मतलब क्या होता है? जो किराने की दुकान होती है, ठीक है, तो वहाँ से आप कुछ भी, जो भी सामान होता है वो आप खरीदते हो, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप छोटे बच्चे हैं, सो सिंपली आप चॉकलेट्स खरीदते हैं, टॉफ़ी खरीदते हैं ना, और इसी तरह के बिस्किट है, और बाकी भी बहुत सारी जो सामान है वो हम ग्रॉसरी से खरीदते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, लेट्स रीड फर्दर. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, यानी दही, पनीर, घी, क्रीम एट्सेट्रा आर सोल्ड एट डेयरी. सो डेयरी पर हमें क्या मिलते हैं? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें डेयरी से मिलते हैं. We can buy medicines from a chemist shop. जो chemist की shop होती है वहाँ से हम क्या खरीदते हैं? chemist की shop से हमें medicines मिलती हैं. देखिए, chemist की shop की image भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है. ऐसी देखिए इमेज, आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये देखिए, ये इमेज आपको दिखाई गई है, ये है chemist की shop. तो chemist की shop से आप medicine वगैरह खरीदते हो, ठीक है. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. वी कैन परचेज थिंग्स ऑफ आर डेली यूज़ फ्रॉम नियर बाई मार्केट. हम अपनी डेली यूज़ की कहाँ से खरीदते हैं वस्तुएँ? हमारी नियर बाई मार्केट से. अ मार्केट हैज़ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स. मार्केट में अलग अलग प्रकार की शॉप्स होती हैं. बिग सिटीज़ हैव मैनी मार्केट्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेज एंड मॉल्स. बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेज होते हैं. अ मॉल इज़ अ वेरी लार्ज बिल्डिंग. अब बात आती है कि मॉल क्या है. मॉल एक लार्ज बिल्डिंग है, इट हैज़ मैनी शॉप्स, उसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं. देखिए, आप मॉल का एक सीन देख सकते हो जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट देखिए, अब होता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट स्टार्ट. लेट अस लर्न अबाउट सर्विस प्रोवाइडर्स. चलिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स यानी सेवाएं प्रदान करने वालों के बारे में जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलिस स्टेशन. पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. पुलिस जो है कानून और नियम बना करके रखती है, नियम और कानून बना करके रखती है हमारी सोसाइटी के. दे गार्ड आर नेबरहुड. वो हमें सुरक्षित रखती हैं हमारे को, ठीक है, हमारे समाज को सुरक्षित रखती हैं. पुलिस स्टेशन इज़ एन ऑफिस ऑफ पुलिसमैन. और पुलिस स्टेशन क्या होता है? पुलिसमैन का ऑफिस होता है. पुलिसमैन यानी जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनका ऑफिस होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, पुलिसमैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी थेफ्ट एंड फाइट. अगर कोई चोरी हो जाती है, थेफ्ट मतलब चोरी हो जाती है, फाइट मतलब झगड़ा हो जाता है, तो उसे कौन सुलझाता है? उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध एक्शन कौन लेता है? पुलिस लेती है. अ विलेज में हैव ए पुलिस चौकी. और गाँव में क्या होता है? पुलिस चौकी होती है जहाँ पर पुलिस बैठते हैं, पुलिसमैन. ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ आपको, पुलिस स्टेशन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हॉस्पिटल. हॉस्पिटल
ऑल सिटीज़ एंड टाउन्स हैव हॉस्पिटल्स, सभी सिटीज़ और टाउन्स में हॉस्पिटल होते हैं। पीपल विजिट हॉस्पिटल व्हेन दे आर सिक, पीपल यानी लोग जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं जब वो बीमार होते हैं। और हॉस्पिटल हैज़ मेनी डॉक्टर नर्सेज एंड अदर स्टाफ मेम्बर्स, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सेज भी होती हैं ख्याल रखने के लिए, एंड अदर स्टाफ मेम्बर्स और बाकी के भी स्टाफ मेम्बर्स होते हैं। सो ये आपने जाना हॉस्पिटल के बारे में। नेक्स्ट हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस, अ पोस्ट ऑफिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ आर नेबरहुड, पोस्ट ऑफिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी बाय पोस्ट कार्ड्स, हम पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं जिन पर लिख करके हम कुछ लेटर भेजते हैं। एनवेलोप यानी लिफाफे खरीदते हैं जिनके अंदर लेटर डाल के या कोई सामान डाल के हम भेजते हैं। एंड स्टैम्प्स फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस, और स्टैम्प्स खरीदते हैं। वी कैन सेंड ए लेटर टू एनी प्लेस थ्रू अ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम कोई भी लेटर कहीं भी भेज सकते हैं। वी रिसीव लेटर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस ओनली, और हमें पोस्ट ऑफिस से ही लेटर्स जो हैं रिसीव होते हैं। अ पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर, पोस्टमैन जो है लेटर इकट्ठे करता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, वो पत्रों को लेटर्स को बांटने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यानी पत्रों को बांटने के लिए कहाँ से कलेक्ट करता है, पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्लेस के बारे में हम जानेंगे, बैंक। अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कीप आर मनी सेफली, बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी मनी को सेफ रख सकते हैं। ऑल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी, सभी बैंक्स में हम अपने रुपए जमा करवा सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं। सम बैंक्स प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज़ ऑल्सो, कुछ बैंक्स लॉकर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं यानी वहाँ पर लॉकर हम अपना रखें और उसमें ज़रूरी सामान रख सकते हैं। वी कैन कीप आर ज्वेलरी सेफली इन ए लॉकर ऑफ बैंक, हम अपनी जो ज्वेलरी है उसे बैंक के लॉकर में सेफ रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारी ज्वेलरी सेफ रहती है, जिसकी चाबी लॉकर की चाबी आपके पास होती है, आप जब भी चाहें उसे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्लेस जो है वो क्या है, वो है एटीएम। नेक्स्ट क्या है, एटीएम, एटीएम आपने देखा ही होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ अ डेज बैंक्स हैव एटीएम्स, आजकल बैंक में एटीएम होते हैं। एटीएम्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक मार्केट, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा, रेलवेज, रेलवे स्टेशन, मार्केट वगैरह वगैरह। तो ये जो है इन सब में एक इम्पॉर्टेंट थिंग और भी है, वो है एटीएम्स। एन एटीएम इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन थ्रू विच वी कैन विड्रॉ आर मनी एनी टाइम, तो देखिए जब आप जानते हैं कि बैंक जो है रात के समय में बंद होते हैं, और सिंपली आप ये भी जानते हैं कि बैंक में बहुत बिजी भी होते हैं बैंक्स, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो एटीएम से हम इजीली मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसके माध्यम से थ्रू विच वी कैन विड्रॉ आर मनी एनी टाइम, जिसके माध्यम से किसी भी समय जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम अपनी मनी को विड्रॉ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपनी मनी को उन वहाँ से निकाल लेते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फायर स्टेशन इज़ एन ऑफिस विच कैन बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ एनी फायर, जब आग लग जाती है तो हम किसको कॉन्टेक्ट करते हैं, फायर स्टेशन को। अ फायर वैन इज इमीजिएटली सेंट बाय दिस ऑफिसर ऑफिस फॉर फायर फाइटिंग, तो फायर यानी आग से लड़ने के लिए जो फायर वैन होती है वो आ जाती है। इट हैज़ ए टीम ऑफ ट्रेंड फायर फाइटर्स, इसमें ट्रेंड फायर फाइटर्स होते हैं जो आग बुझाने के लिए पूरी तरह से उन्हें ट्रेनिंग मिली होती है, और वो इसमें आप ये कह सकते हैं कि परफेक्ट होते हैं, ठीक है, और वो आकर आग बुझाते हैं। तो ये हमने देखा फायर स्टेशन के बारे में। नाउ लेट्स फाइंड आउट, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या है, डू यू हैव एनी प्लेस इन योर एरिया फ्रॉम वेयर पीपल गेट पेट्रोल डीजल एंड सीएनजी, क्या पेट्रोल डीजल और सीएनजी कहाँ से खरीदते हैं, तो पेट्रोल पंप से खरीदते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद करना है, इसका आंसर आपको खुद करना है अपने पेरेंट्स की हेल्प से। पेट्रोल पंप है। मेक ए लिस्ट ऑफ स्कूल्स ऑफ योर एरिया, आपके स्कूल में आपके एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट देखिए,
कोई टूरिस्ट प्लेस है तो उसके लिए लिस्ट बनानी है. डू यू हैव एनी टूरिस्ट प्लेस इन योर नेबरहुड? इफ़ यस, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट. कलेक्ट फोन नंबर्स ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ योर एरिया. जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के नंबर आप यहाँ लिखिए, पुलिस स्टेशन के लिखिए, फायर स्टेशन के लिखिए, एम्बुलेंस के लिखिए, क्योंकि ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए, कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज का टाइम है, सो चलिए फिर देखते हैं. लर्नड, अंडरस्टूड, नाउ आंसर. सीखा, समझा, अब चलिए आंसर देते हैं. ऑब्जर्वेशन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बताइए स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, अ सिक पर्सन शुड विजिट ए पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रीटमेंट. अरे ये क्या है, वो पर्सन जो सिक है वो पोस्ट ऑफिस क्यों जाएगा, वो तो हॉस्पिटल जाएगा. तो ये तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया. सो सिंपली आप यहाँ पे लिख देंगे ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, तो फॉल्स है ये. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. वी कैन बाय बटर फ्रॉम ए केमिस्ट शॉप. अगर हमें बटर खरीदना है तो हम केमिस्ट शॉप क्यों जाएंगे, उसके लिए तो हमें डेयरी जाना पड़ेगा. तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है. ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बटर लेने के लिए हम केमिस्ट शॉप नहीं जाएंगे, उसके लिए तो हम डेयरी जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, अ स्टेशनर सेल्स नोटबुक्स, पेंसिल, पेंस एट्सेट्रा. ये बिल्कुल सही है, स्टेशनरी शॉप पर हमें यही सब कुछ मिलता है. नेक्स्ट देखिए, नेम इट. अब आपको नेम बताना है. अ लार्ज बिल्डिंग हैविंग मैनी स्टोर्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स. एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे स्टोर्स होते हैं और बहुत कुछ सामान वहाँ पर मिलता है, तो वो जाएगा शॉपिंग मॉल. तो आप सिंपली लिख देंगे शॉपिंग मॉल. शॉपिंग मॉल हम सिंपली लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो लिखिए शॉपिंग मॉल, SHOPI. या सिंपली आप मॉल भी लिख सकते हैं. ठीक है, मॉल, या आप कॉम्प्लेक्स मार्केट भी लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपली आप क्या लिखिए, मॉल लिख दीजिए, मॉल. MALL, मॉल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मॉल्स ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स होते हैं और जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम खरीदते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर वी कैन डिपॉजिट आर मनी सेफली. सेफली जहाँ पर हम अपनी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो क्या है, बैंक्स हैं. तो आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे वो क्या है, वो तो है बैंक्स. BANKS, बैंक्स. तो बैंक्स जो है वहाँ पर हम अपनी मनी को सेफली डिपॉजिट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर यू कैन बाय पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प्स. तो वो क्या है, पोस्ट ऑफिस है. पोस्ट ऑफिस से आप खरीद सकते हैं, तो सिंपली यू विल आंसर पोस्ट ऑफिस, POST, पोस्ट ऑफिस, OFF. स्टूडेंट्स यू शुड ऑल्सो फिल विद मी, आपको भी मेरे साथ साथ फिल करते जाना है. ओके चलिए, पोस्ट ऑफिस, तो ये हमने फिल कर लिया, पोस्ट ऑफिस. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ एन ATM? ATM का यूज़ क्या है? सो सिंपली स्टूडेंट द आंसर इज, वी कैन विड्रॉ आर मनी एनी टाइम फ्रॉम ATM. हम ATM से अपनी मनी किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वी कैन विड्रॉ आर मनी एनी टाइम फ्रॉम ATM. हम ATM से किसी भी टाइम अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू सेंटेंसेस अबाउट हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के बारे में दो सेंटेंसेस लिखिए. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंसेस, वी विजिट हॉस्पिटल वेन वी आर सिक. हम हॉस्पिटल तब जाते हैं जब हम बीमार होते हैं. ऑल सिटी एंड टाउन्स हैज हॉस्पिटल, मतलब जो भी सिटी हैं, जो भी टाउन होते हैं, सब में हॉस्पिटल होते ही हैं. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आइटम्स आर सोल्ड एट डेयरी. डेयरी पर कौन कौन से आइटम्स मिलते हैं. सो स्टूडेंट्स डेयरी पर हमें सभी टाइप्स के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्ड, पनीर, घी एट्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपली यू विल आंसर ऑल मिल्क एंड
milk products are sold at a dairy. For example, curd, paneer, ghee, etc. Okay, students, so here we have completed our chapter. Thank you very much. Bye-bye.